इस यात्रा को आप सबके भावपूर्ण स्वागत ने अविस्मरणीय बना दिया। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश के लगभग 25 करोड़ निवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने तथा देश की प्रगति में प्रभावी योगदान देने की दृष्टि से आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आमंत्रित करके मुझे इस महान राज्य की विकास गाथा से जुड़ा। इस अभिनंदन समारोह में आमंत्रित करके उन्होंने मुझे राज्य के निवासियों के स्नेहभाव का अनुभव करवाया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करती हूँ। विश्व की जनसंख्या में भारत का जो हिस्सा है लगभग उतना ही हिस्सा भारत की आबादी में उत्तर प्रदेश का है। भारत सहित केवल 5 देशों की आबादी उत्तर प्रदेश से अधिक है। इतने बड़े प्रदेश के उद्यमी और निष्ठावान लोग नई ऊर्जा के साथ नई भारत के निर्माण में कार्यरत है। ये देखकर मैं भारत के स्वर्णिम भविष्य के प्रति आश्वस्त महसूस करती हूँ। देवियों और स्वजनों, बाबा विश्वनाथ जी की काशी, प्रभु श्री राम जी की अयोध्या, योगेश्वर श्री कृष्ण की मथुरा तथा भगवान बुद्ध के सारनाथ से निकलने वाली भारत की परंपराओं और भावधाराएं सभी देशवासियों को एक सूत्र में जोड़ती है। महान ऋषि मुनियों की संगम स्थली नौमिषारण्य, बाबा गोरखनाथ की तपस्या थली गोरखपुर, संत कबीर की मुक्त स्थली जगर तथा उत्तर प्रदेश के अनेक अत्यंत पवित्र स्थलों में भारत की आध्यात्मिक शक्ति का उत्कृष्ट देखा गया है। ऐसे पवित्र स्थानों की आध्यात्मिक ऊर्जा जुगो जुगो तक हमारी देश को शक्ति प्रदान करती आई है। उत्तर प्रदेश को गंगा, यमुना, सरयू, गोमती, घाघरा, गंडक, केन, बेतवा, राप्ती और सोन जैसे अनेक नदियों का आशीर्वाद मिलता रहा है। इन नदियों ने उत्तर प्रदेश का को जल के साथ साथ उपजाऊ मिट्टी का प्राकृतिक उपहार भी दिया है। भारतीय परंपरा के अनुसार हम इन नदियों माताओं को नमन करते हैं तथा उन्हें अविरल और शुद्ध बनाए रखने का संकल्प भी लेते हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर कुंभों का आयोजन प्राचीन काल से एक प्रमुख धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन रहा। वर्ष 2017 में यूनेस्को ने प्रयागराज कुंभ मेला को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी अर्थात विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की है। वर्ष 2019 में प्रयागराज कुंभ के अत्यंत विशाल और उत्कृष्ट आयोजन ने समस्त विश्व समुदाय पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। विशालता और उत्कृष्टता के ये संगम उत्तर प्रदेश के अनेक बड़े प्रकल्पों में दिखाई देती है। इसके लिए मैं राज्य सरकार और सभी निवासियों को सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजन, गोमती के किनारे बसा आप सबका लखनऊ शहर प्राचीन कोसल साम्राज्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह कहा जाता है कि इस शहर का नाम भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम पर पड़ा था। 19वीं सदी के अंत तक इस शहर को लखनपुर कहने की परंपरा चली आ रही थी। ये नगर एक तरफ हमारी प्राचीनतम परंपराओं से जुड़ा हुआ है तो दूसरी ओर मध्यकाल और आधुनिक युग में भी संस्कृति, साहित्य, राजनीति तथा कला कौशल का प्रमुख केंद्र रहा। लखनऊ में आकर
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का सहज स्मरण होता है। ग्वालियर में पले बड़े अटल जी की जीवन गाथा में आगरा, कानपुर, बलरामपुर और लखनऊ अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहते हैं। लखनऊ के लोगों ने उन्हें अपार स्नेह दिया। उनकी बातचीत में और उनके चुनाव अभियानों में लखनऊ से जुड़ी एक लोकप्रिय कथन का प्राय उल्लेख करते थे, लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदा ए लखनऊ। क्या है ताकत आसमां की जो छुड़ाए लखनऊ। अटल जी लखनऊ के लोगों से बहुत गहरा जुड़ाव महसूस करते थे। देवी और सुजन अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक प्रगति का न्यायपूर्ण और समावेशी होने से अनिवार्य है। समाज के सभी वंचित वर्गों तथा महिलाओं को समावेशी विकास की परिधि में लाना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। महिलाओं के सशक्तिकरण द्वारा आधुनिक उत्तर प्रदेश का आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण योगदान रहना ये मेरा दृढ़ विश्वास है। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के इतिहास में उत्तर प्रदेश के ऐसे अनोखे कीर्तिमान है जो कभी टूट नहीं सकते। वर्ष 1947 में श्रीमती सरोजिनी नारायण नायडू को देश की पहली महिला राज्यपाल तथा वर्ष 1963 में श्रीमती सुचेता कुपलानी को देश की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का ऐतिहासिक गौरव उत्तर प्रदेश में ही प्राप्त हुआ। उसके बाद वर्ष 1972 में महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव मेरी जन्मस्थली ओडिशा में श्रीमती नंदिनी सतपेती को प्राप्त हुआ। कालांतर में सुश्री मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। कुछ अन्य राज्यों में भी महिलाओं ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। वर्ष 2014 में गुजरात की मुख्यमंत्री नियुक्ति होने वाली श्रीमती आनंदीबेन पटेल आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। उनका कुशल और स्नेहिल मार्गदर्शन मिलना आप सबका सौभाग्य है। ऐसी जनसेविकाओं से प्रेरणा लेकर मेरी पीढ़ी की बहनें भी साहस के साथ जरूर आगे बढ़ेगी। मुझे विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियों की बेटियां अनेक क्षेत्रों में और अधिक आगे बढ़ेंगे। इन तथ्यों का उल्लेख करने के पीछे मेरी ये आकांक्षा है कि उत्तर प्रदेश महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में नई प्रतिमान स्थापित करेंगे। देवियों और स्वजन आधुनिक चिंतन और राजनीति के की विभिन्न धाराओं को दिशा देने वाली मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रसाद सिंह, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करते हुए अपने कार्य क्षेत्र को विस्तार दिया तथा पूरे देश के जनमानस से अपना विशिष्ट स्थान बनाया। अब तो भारत के 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी को अपना संसदीय क्षेत्र चुना तथा भारत और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अपने क्षेत्र के कायाकल्प के लिए भी वे निरंतर प्रयासरत रहते हैं। देवियों और स्वजनों, 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव सभी देशवासी मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि मेरठ छावनी के
बहादुर सिपाहियों ने 1857 के स्वाधीनता समर का बिगुल बजाया। उस संग्राम में लखनऊ से बेगम हजरत महल तथा कानपुर से नाना साहेब और तांत्या टोपी मोर्चा संभाल रहे थे। उस स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणों को उत्सर्ग करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम देश की महानतम वीरांगनाओं में सदैव अमर रहेगा। 20वीं सदी के क्रांति की मशाल के जलाए रखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लहड़ी, दुर्गा भाभी तथा इस धरती की अनेक संतानों ने शौर्य से पूरे देश में प्रेरणा का संचार कर रहे थे। मुझे बताया गया है कि स्वाधीनता सेनानियों की गौरव गाथा का परिचय देने वाले 4 शहीद स्मारक गोरखपुर में स्थित है, जिसका प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने करते हैं। देवियों और स्वजन, उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संकल्पित है। देश की सबसे बड़ी वर्कफोर्स और सबसे बड़ी युवा आबादी को राज्यों में अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के निवासी, विशेषकर यहाँ के युवा, भावी भारत की विकास गाथा में अपना स्वर्णिम अध्याय जुड़ेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर प्रदेश।